नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और हमारी श्रृंखला में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एमपीपीएससी की परीक्षा के संबंध में क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है। लगातार आपको अपडेट रख रहे हैं एमपीपीएससी की परीक्षा से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है। उसी के तारतम्य में आज मैं आपके लिए बताऊँगा कि दैनिक भास्कर में छपी आज एक खबर है, इसी साल जारी होगा राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन, लेकिन परीक्षा कब होगी इसे लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। तो असमंजस तो बहुत पहले से बना हुआ है, ये वर्ड जो असमंजस काफ़ी समय से ये बना हुआ है। अब देखते हैं इसके डिटेल में क्या है। 2020 की जो परीक्षाएं हैं दोस्तों, वो परीक्षाएं अभी हाल फिलहाल नहीं होने वाली, लेकिन आगे आने वाले समय में 2021 में कब परीक्षाएं होंगी, कब नोटिफिकेशन आने वाला है, कब मेंस परीक्षा होगी, एमपीपीएससी की प्री परीक्षा 2020 की होगी और दूसरी परीक्षाएँ भी लगी हुई हैं तो वो कब होंगी, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन इसी साल जारी करेगा, ये तो सुनिश्चित हो गया है कि हो सकता है इसी साल 2020 में, एक महीना बचा हुआ है दिसंबर, तो उसमें ये नोटिफिकेशन आ सकता है। बिल्कुल, वन सेवा और अन्य परीक्षा का विज्ञापन भी इसी साल आ सकता है, लेकिन लंबे समय से अटकी हुई राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 कब होगी इसे लेकर अब भी असमंजस है। देखिए, नोटिफिकेशन आएगा ये तो मान सकते हैं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यदि नहीं आया तो ये बेसब्री का जो बांध है बच्चों का, जो कैंडिडेट्स हैं उनका, वो बांध टूट जाएगा और फिर से कोई स्ट्राइक हो सकती है, कोई धरने हो सकते हैं जैसे एक बार और हो चुके हैं। तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन आ सकता है, एक महीने के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहली तो बात ये। फिर आगे बढ़ते हैं, इस साल कोई परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, नोटिफिकेशन आएगा बिल्कुल। पीएससी और ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित होने और बढ़ते कोरोना संकट के कारण परीक्षा अब तक होने का निर्णय नहीं लिया है। अब यहाँ पे आरक्षण का जो मुद्दा है दोस्तों, उसमें ये तो बात पूरी तरह से सिद्ध है कि 14% आरक्षण जो है रहने वाला है। ओबीसी आरक्षण रोक यदि देखें, रुझान देखें, तो अभी तक यही है कि यह 24% रहने वाला है, मगर जब तक कोई डिसीजन नहीं आता, फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब तक कोई नहीं बोल सकता है कि 14% रहेगा, 27% रहेगा। फैसला आने के बाद पेंडिंग 35 से ज़्यादा परीक्षाओं का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी जो परीक्षाएं हैं उनमें मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्री परीक्षा है, एमपीपीएससी मेंस परीक्षा है। यदि मैं कोई छोड़ दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि ये परीक्षा भी है, और इसके अलावा ADPO की परीक्षा है, इसके अलावा जिला और अभियोजन अधिकारी की परीक्षा है, संचालक उद्यान की और मत्स्य की परीक्षा है, वैज्ञानिक अधिकारी मेडिकल ऑफिसर परीक्षा है। तो इस तरह से बहुत सारी परीक्षाएं अटकी हुई हैं, वन सेवा परीक्षा है, तो ये परीक्षाएं सारी अटकी हुई हैं और इनका रास्ता साफ हो जाएगा अगर आरक्षण का ये फैसला जल्दी आ जाता है। यहाँ पर आप एक पूरी लिस्ट देख रहे होंगे, इस लिस्ट में जितनी भी परीक्षाएँ हैं ये सभी परीक्षाएँ अटकी हुई हैं। तो आई होप कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी और कोर्ट जल्दी निर्णय लेगा, जितनी जल्दी कोर्ट जल्दी निर्णय ले लेगा, आयोग भी उतने ही जल्दी निर्णय लेगा और उतनी ही जल्दी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि विज्ञापन जल्दी आने वाला है और आप अपनी तैयारी करके रखें, जैसे ही विज्ञापन आएगा, जैसे ही परीक्षाएँ होना शुरू होंगी, आप जो है परीक्षा में बैठें और सफल हों। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो के लिए। और दोस्तों, जो प्रतिभा होती है और जो सफलता होती है वो सिर्फ ये होती है कि आप मौके पर परफॉर्मेंस करने का मादा रखें, जब भी आपको मौका मिले तब आप बेहतर से बेहतर कर सकें, यही सफलता होती है, यही सफलता का एकमात्र सूत्र। तो आप अभी तैयारी करें, जब भी आपको मौका मिलेगा परीक्षा देने का तब आप अपना जो है परफॉर्मेंस दें और सफल हों। मेरी आशा है कि आप सभी लोग सफल होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।